एक बार की बात है, एक जीवंत शहर में लिली नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। 16 से 17 साल की उम्र में लिली ने खुद को टेलीविजन की मनमोहक दुनिया में डूबा हुआ पाया। अपनी उंगलियों पर शो और चैनलों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ लिली ने अपना अधिकांश समय स्क्रीन से चिपके रहने में बिताया, अक्सर अपने रिश्तों और व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लिली का व्यवहार बदलने लगा। जितना अधिक समय वह टेलीविजन के सामने बिताती थी, वह अपने दोस्तों और परिवार से उतनी ही अधिक अलग और दूर होती जाती थी। उसने कठोर रवैया दिखाना शुरू कर दिया, प्रियजनों पर छींटाक्षी की और उनके जीवन में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लिली के दोस्त एक एक करके दूर होने लगे। लिली को अकेलापन और खालीपन महसूस हो रहा था। अपने कृत्यों का एहसास उस पर ज्वार की लहर की तरह आया और वह अपनी मित्रता खोने पर पश्चाताप महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। दुआक से अभिभूत होकर उसने मार्गदर्शन और समर्थन पाने के लिए अपनी माँ पर भरोसा करने का फैसला किया। चेहरे से आंसुओं की धारा बहते हुए लिली ने अपनी माँ को अपने दिल की बात बताई और बताया कि कैसे टेलीविजन की लत ने उसके व्यवहार को बदल दिया है और उन लोगों को खो दिया है जिनकी वह परवाह करती थी। उसकी माँ ने धैर्य पूर्वक सुना, उसकी आंखें सहानुभूति और समझ से भरी थी। गहरी सांस लेते हुए लिली की माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, लिली मेरी प्यारी बच्ची, अपनी गलतियों को पहचानने और सुधार करने का साहस चाहिए और अब समय आ गया है कि तुम अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखो और रिश्तों को संजो, यह आपके लिए बहुत मायने रखता है। लिली ने सिर हिलाया, अपने तरीके बदलने और उन लोगों का विश्वास और दोस्ती हासिल करने का दृढ़ संकल्प किया जिन्हें उसने दूर कर दिया था। उसकी माँ ने एक योजना सुझाई जो धीरे धीरे उसे अत्यधिक टेलीविजन समय से दूर कर देगी और उसे अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ने में मदद करेगी। साथ में उन्होंने एक टाइम टेबल तैयार किया जिसमें टेलीविजन देखने के लिए विशिष्ट घंटे आवंटित किए गए, जिससे लिली को अन्य गतिविधियों के लिए जगह छोड़ते समय अपने पसंदीदा शो का आनंद लेने की अनुमति मिली। लिली की मां ने उसे नए शौक तलाशने, क्लबों या खेल टीमों में शामिल होने और अपने दोस्तों और परिवार के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही लिली ने योजना को क्रियान्वित करना शुरू किया, उसे टेलीविजन स्क्रीन से अलग पूर्णता की एक नई भावना की खोज हुई। उन्होंने कला के प्रति अपने जुनून को फिर से खोजा और लुभावने परिदृश्यों को चित्रित करना शुरू कर दिया। वह एक स्थानीय थिएटर समूह में शामिल हो गई, जहां उनकी मुलाकात समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से हुई जिन्होंने नाटक और कहानी कहने के प्रति उनके प्यार को साझा किया। हर गुजरते दिन के साथ लिली का आत्मविश्वास बढ़ता गया और दूसरों के साथ उसकी बातचीत अधिक वास्तविक और हार्दिक हो गई। लिली के परिवर्तन की बात पूरे शहर में फैल गई। उसके दोस्त उसकी नई ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित होकर धीरे धीरे उसके साथ फिर से जुड़ने लगे। लिली ने उनकी कहानियां सुनी, मदद का हाथ बढ़ाया और उनके जीवन में सच्ची दिलचस्पी दिखाई। जल्द ही उसने खुद को दोस्तों के एक समूह से घिरा हुआ पाया जो उसके सकारात्मक व्यवहार और वास्तविक व्यक्तित्व के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। लिली की यात्रा ने उसे जीवन में संतुलन और संयम का महत्व सिखाया। उसे पता चला कि अत्यधिक टेलीविजन उपभोग का उसके रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन आत्म जागरूकता और अपने प्रियजनों के समर्थन से वह अपने व्यवहार को बदलने और उन बंधनों को फिर से बनाने में सक्षम हुई जो एक बार टूट गए थे। और इसलिए सुंदर लड़की लिली की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती के लिए वास्तविक संबंध और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह हमें दूसरों के जीवन में मौजूद रहने का मूल्य और हमारे रिश्तों को पोषित करने में और व्यक्तिगत विकास की शक्ति सिखाता है।
अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।